तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है 34 फीट बाय 40 फीट का एक वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान। 3 बेडरूम हाउस प्लान है, काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने इसको वास्तु अनुसार डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दूँ इसमें एक्सटर्नल ब्रिकवर्क 9 इंच थिकनेस का है, ये स्टेयरकेस भी 9 इंच थिकनेस ब्रिकवर्क का है और यहाँ पे जो इंटरनल ब्रिकवर्क है ये 6 इंच थिकनेस का है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे हमने पार्किंग का प्रोविजन किया है और पार्किंग की साइज 10 फीट 3 इंच ऐसे है और 12 फीट 9 इंच ऐसे। यहाँ पे ये वरांडा प्रोवाइड किया है, 4 फीट वरांडा की विड्थ है यहाँ पे और बाकी ये जो लंबाई है ये 12 फीट 9 इंच है, मतलब जितनी पार्किंग है उतनी। यहाँ पे ये स्टेयरकेस ब्लॉक प्रोवाइड किया है, सीढ़ी अब रहेगा यहाँ से। सीढ़ी की साइज 6 फीट इसकी ये फ्लाइट की चौड़ाई 3-3 फीट और यहाँ पे लंबाई 13 फीट 6 इंच है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 13 फीट 6 इंच बाय 6 फीट ये स्टेयरकेस। जैसे अंदर आते ये छोटा सा यहाँ पे ड्राइंग रूम प्रोवाइड किया है। ड्राइंग रूम की साइज 11 फीट 11 इंच बाय 8.5 फीट, तो इसमें से ये 8.5 फीट है और ये 11 फीट 11 इंच। ये 5 फीट की ओपनिंग दी हमने सेंटर में, ये लिविंग एरिया या फिर फैमिली सेटिंग। और साइज 11 फीट 11 इंच इसकी विड्थ है और बाकी लंबाई 13 फीट 9 इंच है, बाकी 11 फीट 11 इंच होगी। यहाँ पे इस कॉर्नर पे ये फर्स्ट बेडरूम है, बेडरूम की साइज 11 फीट 10 इंच पर 12 फीट, तो ये 11 फीट 10 इंच ऐसे और बाकी ये 12 फीट ऐसे। ये बेडरूम 2 11 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 3 इंच, तो ये 10 फीट 3 इंच ऐसे, बाकी ये 11 फीट 10 इंच। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन प्लान किया है, किचन की साइज 11 फीट 10 इंच बाय 9 फीट 3 इंच है। किचन के साथ में डाइनिंग एरिया भी प्लान किया है, डाइनिंग एरिया की साइज हमने रखी 6 फीट 8 इंच बाय 9 फीट 9 इंच। ये टॉयलेट प्रोवाइड किया है, साइज 4 फीट बाय 6 फीट है और 6 फीट लंबाई से। यहाँ पे ये बाथ यूनिट प्रोवाइड किया है, बाथ यूनिट भी सेम साइज का है 4 फीट बाय 6 फीट, तो इसमें मैं ये 6 फीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ वॉश बेसिन के लिए हमें स्पेस मिलता है। इस कॉर्नर पे तीसरा बेडरूम, बेडरूम 3 10 फीट बाय 13 फीट साइज इसकी। यहाँ पे स्टेयरकेस बाहर से दिया है, तो अगर ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर किराए पे देना चाहते हैं तो आप इधर बाहर से दे सकते हैं। अगर इसका टोटल एरिया निकालते हैं तो कंस्ट्रक्शन एरिया बनेगा 34 बाय 40, 1360 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग जाएगी इसकी 15 लाख। तो इस तरीके से प्लानिंग और कॉस्टिंग है। तो दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बड़े हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।